हाँ हो गया। का करे दीदी, का करे छोटकी, सामान उमान सरियारी, कपड़ा उपड़ा सरियारी छोटकी। हाँ हम तो अभी गड़ी सानी काम कर लिए दीदी, सब आई हुई है, दूध ननद भगिना भगनी सब आई हुई है, बड़ी परेशान है, पता नहीं कब न कब जाएगी, छुटकारा मिलेगा समझे में ना आता। का करू छोटकी, दिन भर काम हो जाता है, सास को भी करना और वो भी करना, देखो ना अभी तक खाना भी नहीं बनाई, कपड़ा भी नहीं सरिया, कपड़ा भी सरियाना है छोटकी, क्या करूँ। मेरे यहाँ तो दो को आ गई है, पसर के बैठ गई है, बुढ़िया भी काम नहीं करती है, दिन भर बैठे रहती है, भचर भचर करते रहेगी। हाँ, मन करता है कि उसको कभी खाना ही नहीं दे, एक टाइम का खाना दे और एक टाइम का नहीं दे। आई है ना मेरी ननद, पहले आती थी तो 10 दिन रहती थी, आई अबरी तो जाने का नाम आगे से नहीं है, 20 दिन से है, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही है। जानती है छोटकी, तुम्हें ना मतलब कि ऐसा कर दो ना लड़ाई झगड़ा, यह ना अपने ही भाग जाएगी। अरे दीदी तो भागेगी कैसे, पहले तो ननद सास से लड़ के आती थी तो आता था लेने भतार, आपकी भतरे से लड़के आए तब कौन लेके जाएगा उसको, और दोनों के दोनों लड़के आई है। हाँ। जानती है छोटकी, समझ में नहीं आता कैसे जाएगी, इन्हीं को कहेंगे ना कोनो बहाना से कि मेरा सामान चुरा लिए। हाँ। आज लेब लगा देंगे ना, लेब लगा दोगी ना अपने, तो अपने ही भाग जाएगी, कहेगी कि चल भोजाई इतना वो कर दी, मेरे पे इंजाम लगा रही है, इंजाम लगाई है। हाँ। अपने से जाएगी, ये अपने ही जाएगी भाग, ऐसे नहीं जाएगी। हाँ। बहुत बदमाश, ये नहीं देखती है कि हाँ मतलब कि खाना खाएगी ना, तेरे थलियों ने धोती है, दोनों पसर के बैठ जाती है। हाँ। अभी आई है घूम के दोनों। हाँ। अब मार बतिया रही है, बता खाली शिकायत बतियाएगी, दिन रात बतियाएगी, दिन रात शिकायत बतियाती है। तो मत मतलब कि ऐसी मतलब कि कुछ कुछ बोल दो, समाज है ना मतलब कि नुकेले रहना, और मतलब कि हटा देना, और पूछेंगे ना तो देवर जी कि समनवा कहाँ गया, तो कह दीजिएगा आपकी बहनी ने चुरा के ले रही थी, उसी के बैगवा में डाल देंगे। हाँ। समनवा लेम लगा देंगे, लेम लगा देंगे, चुरा के लेके गई, लेके गई है, सब समझ में आएगा। जानती छोटकी, मेरा भी इतना काम हो जाता है ना दिन भर, क्या करूँ छोटकी, एकदम दिन भर। आपके अभी तो आई तो 3-4 महीना रही, मेरे यहाँ भी जानती है छुटकी आई ना मेरी ननद, तो पूरा लड़ के गई, तो मतलब कि मैं भी ऐसी वो करके भगा दी, जो भागी यहाँ से वैसे ही हम भी करेंगे। ये हम लोग का छोटा सा कॉमेडी वीडियो था, और किसी सास और ननद का शिकायत नहीं करना चाहिए, कोई ननद आती है तो मतलब कि भाई भुजाई से मिले, राखी बांधने कोई भी आती है तो कोई भी देर से आती है, किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए, कोई ननद का अपना सास का शिकायत करना चाहिए। हम भी कभी सास बनेंगे किसी का, तो हम लोग कभी कोई शिकायत करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कभी सास और ननद का शिकायत नहीं करना चाहिए, हम भी किसी के ननद हैं। अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगले वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय।